साल के शुरुआत में तुमने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, इस साल मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो सिर्फ बातें ही थी या फिर कुछ किया भी? कुछ याद भी है कि तुमने क्या डिसाइड किया था? एक और साल निकल गया और तुमने अभी तक शुरुआत भी नहीं की, सिर्फ एक्सक्यूजेस। न्यू ईयर पार्टी के बाद, वैलेंटाइंस डे के बाद, कल से, मंडे से, नेक्स्ट मंथ से, अब तो नया साल आने वाला है, अब भी सिर्फ बातें ही बनाओगे या फिर कुछ करोगे भी? हर दिन कोई ना कोई चीज तुम्हें अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट करेगी, हर दिन कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, तो कब तक तुम चीजें टालते रहोगे? वेयर इज द एग्जीक्यूशन? डोंट यू गेट इट? हालात जैसे भी हो, मूड जैसा भी हो, टास्क मुश्किल हो आसान हो, जस्ट डू इट ऑलरेडी। स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट एंड बी अबाउट इट। सिर्फ बातें मत करो, कुछ करके भी दिखाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कोशिश कर रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो, तो क्या दूसरे तुम्हारे वर्क एथिक को नोटिस करते हैं? क्या दूसरे तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि यार तू तो कितनी जल्दी उठता है, तू कितनी मेहनत करता है? अगर नहीं तो तुम इनफ नहीं कर रहे। अगर तुम बोलना कम और एग्जीक्यूशन ज्यादा करते तो लोगों को सिर्फ सुनाई ही नहीं, दिखाई भी देता। तुम जानना चाहते थे ना कि कैसे कुछ लोग इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं और कैसे कुछ लोग पीछे रह जाते हैं? ड्वेन जॉनसन दुनिया का हाईएस्ट पेड एक्टर है। तुम्हें पता है वो सुबह कितने बजे उठता है? 3:30 इन द मॉर्निंग। कई लोग तो उतने बजे तक सोते ही नहीं है। उनके अंदर ना डिसिप्लिन है ना सेल्फ कंट्रोल। 5 times बैलन डी ओर विनर रोनाल्डो ट्रेनिंग ग्राउंड में सबसे पहले आता है और सबसे आखिर में निकलता है। माइकल फेल्प्स द ग्रेटेस्ट ओलंपियन ऑफ ऑल टाइम, उन्होंने 5 साल में एक भी दिन ट्रेनिंग मिस नहीं की। यस, 365 days फॉर 5 years एंड नो ब्रेक्स। एग्जैक्टली, वर्क एथिक। इसलिए दुनिया के सिर्फ 1% लोग इतने सक्सेसफुल होते हैं। तुम इस 1% में काउंट तो होना चाहते हो, बट तुम उनके जितनी मेहनत नहीं करना चाहते। कई साल लगते हैं तब जाकर वैसी सक्सेस हासिल होती है। और तुम तो अभी तक सपने ही देख रहे हो। वेक अप। इट्स नॉट अबाउट टुमारो और मंडे, दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, इट्स अबाउट एवरी डे। जो कहा था उसे करके दिखाओ, जो शुरू किया था उसे पूरा करो। इन द एंड टैलेंट तुम्हें सक्सेसफुल नहीं बनाता, वर्क एथिक तुम्हें सक्सेसफुल बनाती है। कमेंट करके बताएं कि नए साल में आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है।